पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूं, आप समझने को तैयार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है जी। ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो सही से प्रावधान है बात वो करिए बता रहा हूं पहले। मैं। नहीं, यू टॉक टू टॉक प्रॉपरली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी है, पढ़ के मैं बता बताइए। रहा हूं ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिसेस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड, मैं नहीं, बता रहा, फर्स्ट आपको, हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस माय अगेंस्ट दी लॉर्ड, पिटिशनर आर्टिकल काउंसिल श्री। फिफ्टी आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले आपसे पहले सवाल क्या पूछा था, तो आप सुन ही नहीं रहे हैं मैंने आप। आपसे सवाल क्या पूछा था, पहले मेरा सवाल बताइए, वो सवाल, ये मैं जो आर्गुमेंट पहले कर, मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको, आप पहले सुने, आर्गुमेंट सुने हम नहीं ना। सुनेंगे आपका आर्गुमेंट, नहीं, आप सवाल का उत्तर देंगे ठीक जब है, तक नहीं 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 सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करें, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सॉरी सॉरी मिलो। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे ये आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। मिलो, इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर नहीं लोगे। नहीं तुम नहीं ये मतलब भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा है, मतलब यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन। 11185 हाँ, माय लॉर्ड, सेम मैं पिटीशन इज नाउ बीइंग फाइल्ड बाय डिफरेंट पर्संस। कितनी कॉस्ट लगाना है ये बताइएगा। नहीं माय लॉर्ड, वो अर्लियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन वॉज डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट तो ग्राउंड क्या में। लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड, आप P1 बताइए, क्या P1 है ये? इसमें ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। यह थी ये आपके, वही ग्राउंड्स हैं, सारे वही नहीं ग्राउंड्स हैं। पैसा एक नहीं माइलॉर्ड, नीचे में पढ़ रहा हूँ ना, जिला ऊपर, कहाँ प्रशासन द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार, पढ़, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12 हाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे, हाँ जी, जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 घ में प्रदत्त अधिकारों का हनन उल्लंघन किया जा रहा आपने है वो पिटीशन पढ़ी है? वो जी। पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है? नहीं पढ़ाया। आप जी उस बोल रहे हैं अलग है। माय लॉर्ड में अलग है ना इन साहब इसमें। एक मिनट, पहले पूरी बात सुनिए। हैव यू गॉन थ्रू दैट ऑर्डर? माय आपका लॉर्ड, के जो स्पॉन्सर करता है, उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया जो वो हमने पिछली तारीख को पास किया, पारित किया है? उस ऑर्डर में माय लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया इस आधार पे। और इसमें ये है, हाँ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड जी, कि वेयर इज प्रोग्राम्स बींग डन माई लॉर्ड, द बिग देव इज द प्लेस देयर माई लॉर्ड, क्या जहाँ है? पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माई लॉर्ड, वहाँ पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है। यही तो बता रहा हूँ मैं नीचे, क्या लिखा है, पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकोट का कथा वाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम और स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासियों के आत्म सम्मान स्वाभिमान धार्मिक मान्यताओं को अत्यधिक बताइए ठेस कैसे, क्या पहुंचेगा। क्या धार्मिक मान्यताएं हैं बताइए। और एनेक्जर बड़ा, नहीं पहले बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहां से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहां लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं। माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए, इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। द कहां से पढ़ के पिटिशन बता रहे हैं। पिटिशन हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ वन है हमारा। द पिटिशनर हैज बीन रिटन एप्लीकेशन अगेंस्ट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नरेटर एंड द ऑर्गेनाइजर टू दी रिस्पॉन्ड नंबर 6 इन विच इट इज आल्सो मेंशन दी आर्टिकल 19(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कस्टम कस्टम ट्रेडिशन एंड द कस्टम ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी अफेक्ट द ट्राइबल कल्चर एंड द विल डिस्टर्ब द प्रिमिटिव रिलीजन नेचर एंड द कस्टम अरे आप ऑफ सवाल समझ रहे हैं वकील साहब, जी आपने जिसको जिसने ये पिटीशन बनाकर दी है आपको लगवाई है उनसे इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा वहां बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी मैंने आपसे सवाल पूछा इन बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, जी उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहां। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, जी। ये मान्यताओं का उत्तर है। जी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो सटीक से प्रावधान है बात वो करिए बता रहा हूँ पहले। मैं। नहीं, यू टॉक टू टॉक प्रॉपरली। आप ये नहीं मान्यता ये आदिवासियों की मान्यता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी है, पढ़ के मैं बता बताइए। रहा हूँ ना। हाँ हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्ती। अरे लेट नोटिसेस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल, शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड मैं नहीं, बता रहा फर्स्ट आप तो हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस माय अगेंस्ट दी लॉर्ड पिटिशनर आर्टिकल काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने आपसे पहले सवाल क्या पूछा था, तो आप सुन ही नहीं रहे मैंने आप। आपसे सवाल क्या पूछा था, पहले मेरा सवाल बताइए, वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट पहले कर मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने, आर्गुमेंट सुने हम नहीं ना। सुनेंगे आपका आर्गुमेंट, नहीं आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं 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 सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। सॉरी सॉरी यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? सॉरी सॉरी अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सॉरी सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको ये फाइल पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करें यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सॉरी सॉरी सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे ये आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदि समाज आदि आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? लॉर्ड इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम नहीं ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूँ। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका जी? जी एस उदय कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-08 हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से
हाँ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। ये हेमलता धुर्वे और ये कर्ण हरनाम मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? हेमलाल ध्रुवे मैडम, कहाँ है वो ऑथराइजेशन पेज नंबर? एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। दे शुड नो हाउ टू आर्ग्यू बिफोर हाई कोर्ट। माय लॉर्ड, वकालतनामा पेज नंबर नहीं, वकालतनामा नहीं, उस संस्था का सर्व आदिवासी समाज का रिजोल्यूशन बताइए जिसने कि इन दो लोगों को, हेमलाल धुर्वे जी को और हरनाम मरावी को, ऑथराइज किया है कि पिटीशन फाइल करने के लिए। सर, इसमें जो पेज नंबर 47 है माय पेज लॉर्ड, नंबर 47 जी जी फोर्टी बताइए। हाँ सेवन 48 और 49 में, पढ़िए उसको, पढ़िए प्लीज। 47 48 में क्या लिखा है? आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ मैं। जी आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक श्रीमान धारा सिंह मंसूरी जी की अध्यक्षता में तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित, महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित हुए सहमति बैठक कार्यवाही सगाजन के विचार मनन का निष्कर्ष लिया गया, जाकर निर्णय लिया गया कि निम्न सारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(5) अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहाँ है गंभीर लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड प्लेन लगाए। प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई जी सर, औचित्य थोड़ी ना है। जी जब ब्रेड, आप ये लगा रहे हैं, जी इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे, पढ़िएगा टाइप कॉपी में। मंशाराम मरावी अध्यक्ष, किस चीज के अध्यक्ष हैं? कहाँ है आपका लेटर हेड, कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? कहाँ है आपके? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस समुदाय इज हाँ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी। यस, उसी पे आ रहा था। यस थैंक यू। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती हैं तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका, लेकिन मैंने फाइल नहीं किया है नहीं मैं। किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे, जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे। वो खारिज कर देंगे इसी ग्राउंड पे। आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा, लिखिएगा श्री। कल कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन, क्या कर सकते, आपको तैयारी करना चाहिए थी। जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे, ये बात आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते। पक्षकार सॉरी मैम, को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुभ नाम बताइए फिर से। ये सौदे श्री जी एस मुद्दे उदे जी, फॉर द पिटिशनर, देर इज नो ऑथराइजेशन इन फेवर ऑफ द पिटिशनर्स बाय द सो कॉल्ड सर्व आदिवासी समाज डिस्ट्रिक्ट बालाघाट टू फाइल दिस रिट पिटीशन, फुल स्टॉप। पिटीशनर इज नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर क्वेरीज ऑफ दिस कोर्ट, फुल स्टॉप। वाइल पिटीशनर वॉज रीडिंग एनेक्शर P1, दिस कोर्ट वॉन्टेड टू नो इन कैटेगरिकल टर्म्स दैट वॉट आर द कस्टम्स एसोसिएटेड विद बड़ा देव भगवान स्थल, विच इज अ सिंबल ऑफ ट्राइबल फेथ, एंड हाउ दोज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड बिलीफ करेगा एंड बिलीफ आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कथा वाचन इन दी हैंड्स ऑफ सम कथावाचक, फुल स्टॉप। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दी क्वेश्चंस पिटीशनर लॉस्ट हिज कूल एंड स्टार्टेड शोइंग टेंट्रम्स। हाउएवर इन एब्सेंस ऑफ दीज टू फंडामेंटल क्वेश्चंस
regarding locus of the petitioner, which should have been substantiated by filing a proper authorization from the concerned Sarva Adivasi Samaj, along duly backed with constitution of the said organization, showing a constitution of the said organization, and also in absence of any pleadings to demonstrate that how Katha Vachan is going to be in conflict with the beliefs, traditions and faith of the tribal community who are worshipping Bada Mahadev Bhagwan at village Bhadu Kota, comma, this petition is not mature to be given a hearing, full stop. Petition is returned with the liberty to file properly constituted petition if petitioner so desires. Sorry. Yes.